गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 12 या आप बोल सकते हैं कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर इन कैश रिडीमेबल एट पार और प्रीमियम, तो उसी तरह इशू एट पार डिस्काउंट और प्रीमियम हो सकता है, उसका एक प्रॉब्लम डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग इशू ऑफ डिवेंचर। यहाँ देखिए 400 8% डिवेंचर 100 इच इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। तो 100 रुपया का डिवेंचर है, 5% डिस्काउंट 5 रुपया, तो 95 में इशू होगा। अच्छा, यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड है रिडीमेबल एट पार, रिडेम्पशन के समय 100 का 100 वापस करेंगे। ओके, ठीक, यही चीज देखिए नंबर टू में, वही 400 8% डिवेंचर इशू एट पार होगा, दामेदाम 100 का 100 में इशू होगा, लेकिन यहां देखिए रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। रिडेम्पशन के समय में उसको हम लोग 5 रुपया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन करेंगे। क्लियर, तो इशू एट पार है बट रिडीमेबल एट प्रीमियम। तीसरा सिचुएशन देखिए 600 7% डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट। इशू के समय 5 रुपया डिस्काउंट बोला है और रिपेबल एट ए प्रीमियम, यहां भी फिर रिपेबल के समय में 4 रुपया प्रीमियम, तो डबल लॉस हो गया। यहां 5 रुपया डिस्काउंट के रूप में और 4 रुपया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, 9 रुपया लॉस हो जाएगा। क्लियर है, यही देखिए एक और सिचुएशन क्रिएट किया है। 700 डिवेंचर इशू होगा, इशू एट प्रीमियम है, यहाँ पे इशू करते वक्त 5 रुपया प्रीमियम लिया जाएगा, दैट इज प्रॉफिट, बट रिडीमेबल एट पार है, रिफंड करते वक्त 100 का 100 कोई लॉस नहीं होगा। तो दोनों क्वेश्चन में यहाँ देखिए रिपेबल एट 5% प्रीमियम है, यहाँ रिपेबल एट प्रीमियम है, 2 बार रिपेबल एट प्रीमियम है, 2 बार रिपेबल एट पार है। आइए देखते हैं इसका जर्नल एंट्री कैसे किया जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, पहले 400 डिवेंचर इशू करना है 5 रुपया डिस्काउंट में, तो 400 डिवेंचर का 100 रुपया करके 40,000, 5 रुपया करके 2,000 डिस्काउंट कम हो जाएगा। तो पहले एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, दैट इज 38,000 पहले रिसीव कर लेते हैं। ये हो गया आपका 38,000 बींग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके, 400 डिवेंचर इशू किए थे 95, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, 5 रुपया डिस्काउंट था आपका, तो 95 कर दें। इन लोगों को डिवेंचर अलॉट किया जाएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 38, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर 2,000 डिस्काउंट है, 2 डिवेंचर का परसेंटेज है 8% डिवेंचर अकाउंट 40,000 बींग अलॉटमेंट ऑफ 400 8% डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। तो हम लोग 5% डिस्काउंट पे 400 डिवेंचर अलॉट किए, 40,000 का डिवेंचर, 5% डिस्काउंट 2,000, तो 38 एप्लीकेशन अलॉटमेंट, वही 38 रिसीव किए थे। ठीक है, इसको आप एक बार देख लो, 400 8% डिवेंचर 100 इच 40,000 इशू एट 5% डिस्काउंट, इंपॉर्टेंट वर्ड था रिपेबल एट पार। ठीक है,
अब दो नंबर देखिए, वही 400 डिवेंचर 100 रुपया, इश्यू एट पार है, रिपेबल एट 5% प्रीमियम। क्लियर है? तो ये हो गया हम लोग का रोमन वन। अब आते हैं रोमन टू की तरफ। सबसे पहले हम लोग डिवेंचर इशू करेंगे एट पार, उसका पैसा रिसीव करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 400 डिवेंचर 100 रुपया एट पार 40,000, बींग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, 400 का 100 रुपया रिसीव हुआ। तो 400 का 100 रुपया करके रिसीव होगा तो 40,000 रिसीव होगा, एट पार है। अब इन लोग को डिवेंचर अलॉट करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000, एक लाइन गैप टू 8% डिवेंचर एट पार है 40,000, लेकिन रिडीमेबल एट प्रीमियम था तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 5% प्रीमियम है 2,000, इसी को बोलते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, यही 2,000 होगा लॉस ऑन इशू। ओके, नरेशन देते हैं, बींग अलॉटमेंट ऑफ 400 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 इच एट पार रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। इशू हुआ था एट पार बट रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम था। एक बार आप फिर से देख लो, 400 डिवेंचर इशू एट पार 40,000 बट रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, तो 2,000 हमको फ्यूचर में रिडेम्पशन पे लॉस होगा। यहां देखिए 600 डिवेंचर इशू होगा, इशू एट 5% डिस्काउंट, तो 600 डिवेंचर का 60,000, 5% डिस्काउंट 3,000, 57,000 रिसीव होगा और 60,000 का इनको डिवेंचर अलॉट किया जाएगा। अच्छा, रिपेबल एट 4% प्रीमियम, रिडेम्पशन के समय भी 4% 4 रुपया प्रीमियम होगा 2,400, तो डबल लॉस है अभी 5 रुपया का और प्रीमियम के चलते 4 रुपया का। ओके, आइए इसका एंट्री करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे, नंबर 3, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बींग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, 600 डिवेंचर है 5% डिस्काउंट, ये हो गया आपका 57,000 रिसीव्ड हुआ। क्लियर है? 5% डिस्काउंट देने के बाद 600 शेयर का 3,000 डिस्काउंट हो गया, तो 60,000 के अगेंस्ट में 57 रिसीव कर लिए। अब इसको हम लोग डिवेंचर अलॉट करेंगे और याद रखिएगा वो डिस्काउंट पे है और साथ में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का भी कॉन्सेप्ट है, 4% प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की बात है। सबसे पहले हो गया रिसीव, अब उसको हम लोग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 57,000। इसको जो डिवेंचर अलॉट किया जाएगा वो 7% डिवेंचर है टू 7% डिवेंचर अकाउंट 60,000 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 4% 2,400, तो ये हो गया आपका 5,400। लॉस ऑन इशू ऑफ
डिवेंचर डिस्काउंट 3,000 था, प्रीमियम 2,400 था। बींग अलॉटमेंट ऑफ 607% डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 4%। 5% डिस्काउंट 5 रुपया, 4% प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 4 रुपया। तो ओवरऑल हम लोग को लॉस हो गया आपका 9 रुपया का, ठीक है। 600 डिवेंचर था तो 5400। ये हो गया आपका 3 नंबर, आप एक बार देख लो फिर से। 600 डिवेंचर, 5% डिस्काउंट, 4% नंबर 4 देखिए। 700 डिवेंचर इशू होगा 100 रुपया ला एट ए प्रीमियम 5 रुपया प्रीमियम लेंगे, 3,500 रुपया बेसी लेंगे। 700 डिवेंचर का 100 रुपया 70,000 और 3,500 प्रीमियम 73,500 और रिपेबल एट पार है, ओके। तो नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 73,500 बींग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 700 डिवेंचर 105 करते। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो गया 700 डिवेंचर का 105 रुपया करके, जिसमें 5 रुपया प्रीमियम होगा। अब उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 73,500 टू 7% डिवेंचर अकाउंट, टू 7% डिवेंचर अकाउंट 700 का 70,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 3,500। 700 डिवेंचर अलॉट हुआ था उसका आपका 70,000 हो गया और 5% प्रीमियम के हिसाब से 3,500 हुआ, ठीक है। बींग अलॉटमेंट ऑफ 7% डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग का इश्यू ऑफ डिवेंचर हो गया, इश्यू एट पार, डिस्काउंट या प्रीमियम तीनों मिला, और रिडीमेबल एट पार होगा चाहे प्रीमियम होगा, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।